दोस्तों फाइनली दिवाली सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली 11 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक ये सेल चलेगी फ्लिपकार्ट पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्या आपको इस सेल के अंदर ये रियलमी का लैपटॉप लेना चाहिए। दोस्तों बेसिकली ये एक डब्बा है, मैं आपको असली लैपटॉप दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो कितना स्लिम ड्रीम, एकदम प्यारा सा कॉम्पैक्ट लैपटॉप है यार। इस लैपटॉप को कौन नहीं लेना चाहेगा। देखो यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दे रखी है, इतना शानदार लुक आपको देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको ये लेना चाहिए सेल के अंदर या नहीं लेना चाहिए। तो ऑफकोर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इतने कमाल के शानदार 250 ऑफर आपको देखने को मिलने वाले सेल के अंदर, तो आपको डेफिनेटली इस लैपटॉप को इस सेल के अंदर कंसिडर कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों ही लैपटॉप के प्राइस की। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा i5 वाले वेरियंट की। तो i5 वाला जो वेरियंट है आपको नॉर्मल प्राइस जो इसकी रखी गई है सेल के अंदर वो है 46,000। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो ये आपको 42,000 में भी देखने को मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आप कहीं पे भी जाओ, अपना जुगाड़ करो, कुछ भी करो, SBI का क्रेडिट कार्ड जो है कहीं से भी लेके आओ और इसको जो लैपटॉप है इसको 42,000 के अंदर बाय कर लो यार। 42,000 के अंदर ये जो लैपटॉप है वो वैल्यू फॉर मनी है। इवन अगर आप इसको 45,000 रुपये से कम की प्राइस में परचेस करते हो तो मैं फिर भी कहूंगा ये जो लैपटॉप रहेगा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी और वर्थ रहेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं i3 वेरिएंट के बारे में। जो i3 वेरिएंट है वो आपको नॉर्मल प्राइस 34,500 का देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो ये जो लैपटॉप है आपको 32,000 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ये भी आपको काफ़ी बढ़िया डील देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप 42,000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप i3 के बजाय i5 को ले सकते हैं। लेकिन अगर हल्का फुल्का काम करते हैं, एज ए स्टूडेंट कोडिंग वगैरह करते हैं, मार्केट ऑफिस चलाते हैं या नॉर्मल वर्क करते हैं, आपको ज़्यादा माथापोड़ी नहीं करनी, तो आप जो है i3 पे भी जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी लैपटॉप के बारे में और जानकारी देने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ 5 हिडन फीचर्स इस रियलमी लैपटॉप के। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी जो है मैं आपको इस लैपटॉप के रिगार्डिंग 5 हिडन फीचर्स बताने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिडन फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अभी आप देख सकते हैं मैंने इस लैपटॉप का कैमरा ऑन किया हुआ है। और अगर आप ऊपर एक चीज को नोटिस करोगे तो यार ये छोटी सी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है। इसका मतलब अगर आप कभी भी जो ब्राउजिंग वगैरह करते हो अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप जो है मान लो फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो या थर्ड पार्टी वेबसाइट कुछ भी चला रहे हो ना, तो ऐसे में अगर आप कोई बंदा अगर हैक करके आपका जो कैमरा है उसको यूज करेगा तो ऐसे में इसकी जो लाइट है वो जल जाएगी। अभी आप देख सकते हो लाइट नहीं जल रही, जैसे ही मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा मतलब कोई भी बंदा आपको जो है कैमरा स्टार्ट करेगा वैसे ही इस लैपटॉप की जो है लाइट जल जाएगी और आप समझ जाओगे कि भाई कोई ना कोई डिवाइस, कोई ना कोई गैजेट जो है वो आपके कैमरे को यूज कर रहा है। दोस्तों ऐसे मुझे ये जो फीचर है काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड दोस्तों सेकंड फीचर की बात करूं तो वो है दोस्तों इसका माउस पैड। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस माउस पैड के अंदर आपको काफी शानदार से गेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप जो है अभी आप देखो स्क्रीन ऐसी है नॉर्मल फ्लिपकार्ट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप दो उंगलियों से इसको ऐसे जूम करते हो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो जूम हो रहा है। वापस दो उंगलियों से अगर आप इसको वापस जूम आउट करते हो, जैसे कि मैं दो उंगलियों से वापस छोटा करता हूं, तो देखो कितना शानदार गेस्चर। यही नहीं दोस्तों कितने शानदार, अगर आप तीन उंगलियों से ऐसे करके नीचे करोगे तो ये कट जाएगा, तीन उंगलियों से वापस ऐसे ऊपर करोगे तो वापस स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों ऐसे कई कमाल के यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे करोगे तो देखो ये स्क्रीन आ गई, कोई सा भी चूज कर सकते हो इसके अंदर हिसाब से, मैं कैमरा वाला चूज कर लेता हूँ। कुल मिला के आपको देखो ऐसे करने से ऐसा हो रहा है ये सारा, मतलब इसके अंदर आपको जो माउस पैड है इसके अंदर आपको मल्टीपल गेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। भाई ऐसे करने पर सब कुछ कट जाएगा, हाथ को ऐसे ऐसे कर दोगे तो देखो यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन खुल चुकी है जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा लेना है। ठीक है दोस्तों ये तो था हमारा सेकंड फीचर। अब थर्ड फीचर की बात करते हैं दोस्तों, वो है शटडाउन का फीचर। अगर आप लोगों को नहीं पता इस लैपटॉप को शटडाउन कैसे करना है, काफी सारे लोग क्या करते हैं मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ, Alt+F4 को दबाते हैं। लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा Alt+F4 को दबाने से ये जो लैपटॉप है वो शटडाउन नहीं होता। अगर आपको इस लैपटॉप को शटडाउन करना है तो आपको करना है Function+Alt+F4, देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, फंक्शन की एल्ट और F4 का दबाना है। देखो यहाँ पे विंडोज 11 दिखा रहा है और शटडाउन का यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन देखने को आ रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, Function+Alt+F4, इससे जो है ये लैपटॉप शटडाउन हो जाएगा। दोस्तों फोर्थ फीचर की बात करते हैं इस लैपटॉप की, तो दोस्तों वो है
इंटेल ईवो का स्टिकर। दोस्तों मैं सिर्फ स्टिकर की बात नहीं कर रहा, ये जो लैपटॉप है रियलमी का वो इंटेल ईवो सेटिस्फाइड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत कम लैपटॉप होते हैं, इवन शायद होते ही नहीं है जो इंटेल ईवो सेटिस्फाइड हो, लेकिन ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों वो इंटेल ईवो सेटिस्फाइड है। दोस्तों फिफ्थ फीचर बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ स्क्रीनशॉट लेने की। आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता नहीं होगी, अगर आप इस डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको क्या है, आपको तीन बटन प्रेस करने होंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको दबाना है शिफ्ट, ये विंडो वाला लोगो, और पर ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, जितना एरिया मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मुझे इतना लेना है तो स्क्रीनशॉट जो है मेरी गैलरी में सेव हो चुका है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के फिफ्थ फीचर की, वो है डेटा केबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे डेटा केबल कैसे कोई फीचर हो सकता है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा, इस डेटा केबल को आप अपने जो ये प्लग है यूएसबी वाला उसमें डाल करके और जो ये टाइप सी वाला पोर्ट है उससे अपने फोन को लिटरली चार्ज कर सकते हैं। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लो लाइट चली जाए, अगर आपके घर पे जो भी है इन्वर्टर जनरेटर वगैरह नहीं है, तो ऐसे में जो है आप अपने लैपटॉप से थोड़ी बहुत बैटरी जो है उधार ले सकते हैं। इवन आपका जो मोबाइल है उसको आप 50-70% भी इजीली चार्ज कर सकते हैं इस लैपटॉप के थ्रू। सो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी छोटी सी बनाई वीडियो आप सब लोगों को थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सच में थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों नए हो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।